ששני סבתא, ונצא שיהיה קפנה. איתים, נמקים הרבה קפנה. ואני מבין עוד מיד, ניסים לי של עשמי לפעמים טובים, כולו להכניס את זה בפס. עד לא בלבה, בקום קונגריה, איתי סונגרס, איתי וולטיס, אבל איתי נסיע את זה. शेयर करना चाहेंगे कि मैं हमेशा जो मेरा जो पीछे का जो टाइम निकला हुआ है, वक्त जो मैंने गुजारा है, उसको मैं कभी भूलता नहीं। तो ज़्यादातर जब आदमी बढ़ता सक्सेस होता है तो उसको हर चीज़ आम लगने लगी। जैसे बॉलीवुड में हम आते हैं तो हमें एक आम लगने लग जाता है कि हाँ जी, मैं हर तीसरी पार्टी में मैं सुभाष घई साहब को मिल लूँगा, या मैं किसी या बच्चन साहब किसी पार्टी में मिलेंगे, तो एक आम एक ईजी हो जाता काम। पर मैं हमेशा अपना पुराना टाइम याद करता हूँ कि जब मैंने स्ट्रगल टाइम में, या मैं अगर 20 साल पहले देखूँ जब हमने इनको एयरपोर्ट पे देखा, तो हमारे दिल में एक थी कि यार काश हमें सुभाष घई जी एक बार ऐसे कर दो। और इन्होंने करा भी, हाँ बहुत ऐसे करके इन्होंने बहुत प्यार दिया। मैं और गरीब भाई एयरपोर्ट पे थे, तो मुझे वो टाइम याद है और अब का टाइम याद है। तो आज अगर मुझे इनके साथ बैठने का मौका मिला, भले मैं हिट हो गया हूँ या मेरे दो चार गाने चल गए हैं, बट मुझे यू नो अपना बैकग्राउंड, अपना पीछे वाला टाइम नहीं फील होना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मुझे गिटार गाना मिला, और वो भी सुभाष घई की फिल्म में मेरा गाना आ रहा है एंड अपना सपना मनी मनी। तो तभी आगे रितेश की भी वो पहली मूवी थी, तो जब वो गाना मिला तो हमारे लिए बड़ी बात थी कि हम मिस्टर घई की मूवी में ये गाना गा रहे हैं। तभी एक्ट्रेस का नहीं पता था कौन उसमें एक्ट्रेस है, लेकिन ये सुभाष घई साहब की फिल्म है तो मैंने गाना। तो आई गेस पहला मेरा गाना गिटार था, फिर गणपत आया, देन उसके बाद मेरा सबसे खूबसूरत बात जो निका में है, जो मैं देखता हूँ कि इतनी सक्सेस के बाद भी अगर आपने देखो तो एक चीज़ उसने कभी नहीं छोड़ी, वो है हम्बलनेस, मॉडेस्टी, दूसरे को क्रेडिट देना,
छोटों से प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना, ये क्वालिटी मैं इसकी हमेशा ही देखता आया हूँ, आज से नहीं, कम से कम 20-22 साल से जब से मैं जानता हूँ, ये क्वालिटी सब बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है, सब आर्टिस्टों को सीखना बहुत जरूरी है। एंड मिका, यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। थैंक यू।